बाल संरक्षण समिति की बैठक उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आयोग के सदस्य डॉक्टर जया सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव, एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुमन शुक्ला सहित अन्य अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें तथा बच्चों के अधिकार संरक्षित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बच्चों महिलाओं के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं जिससे उन्हें लाभान्वित कर उनका उन्नयन हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इनके परिवारों को रोजगार से जोड़ा जाए तो इनकी आय बढ़ेगी और बाल श्रम की कुप्रथा स्वतः समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि बाल श्रम में लिप्त सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विद्यालयों में नामांकन कराया जाए तथा भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को इससे मुक्त कराकर उनके परिवार में पुनर्स्थापित किया जाए, उनको शिक्षा एवं विभागीय योजनाओं से जोड़े जाने हेतु कार्रवाई की जाए। बैठक में जिला प्रोविजन अधिकारी ने बताया कि बाल श्रम रोकथाम हेतु जनपद में नो चाइल्ड लेबर अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक संचालित किया गया था, जिसमें एएचटीयू, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं गैर सरकारी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से जागरूकता बैठक एवं कुल 35 स्थानों पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 62 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रेस्क्यू किए गए समस्त बच्चों को उनके परिवारों में पुनर्स्थापित किया गया तथा उनके माता पिता को परामर्श देकर उन्हें पढ़ने हेतु विद्यालयों में भेजने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त जनपद में कुल 30 बाल श्रमिक बच्चों को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिससे संबंधित लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। इसी तरह से जो है जुलाई के लिए 175 है, 24 और बढ़ा है 41 88 है टोटल 20 समय तक सर। ये मैडम जो है जितना केसेज आ रहे हैं जितना डिस्पोजल हो रहा है उससे अधिक आ जा रहे हैं, काफ़ी हम लोगों ने डिस्पोजल किया है और पर डे जो है डिस्पोजल हम लोग करते हैं, उसके लिए कोई बैलेंस छोड़ते नहीं। तो डिस्पोजल से आपका क्या मतलब है, सुनवाई को आप डिस्पोजल मानते हैं या केस को खत्म करने को आप डिस्पोजल मानते हैं? केस को खत्म भी करते हैं वो भी डिस्पोजल में है और अगर बेल एप्लीकेशन है वो भी बेल एप्लीकेशन का डिस्पोजल है, जुवेनाइटी का एप्लीकेशन है तो जुवेनाइटी का डिस्पोजल है, ये चीज है। तो जो अभी ऑब्जर्वेशन होम में जो बच्चे हैं जी उनके जो जितनी सुनवाई हो रही है तो सुनवाई में बच्चों के साथ बातचीत तो हो नहीं रही, मुद्दे पर बच्चों का नाम पूछा जा रहा है, उनके पिताजी का नाम पूछा जा रहा है और बाकी फिर दूसरी डेट दे दी जा रही है। लिखा है कि रस्तों को 608 रेस्क्यू किए गए 12, इसमें पुनर्वासन की क्या स्थिति है? रेस्क्यू तो ठीक है, बड़ा अभियान है हमारा और आपने देखा होगा कि यहाँ लेबर डिपार्टमेंट से हम बैठे हैं, मैं दोनों को कोऑर्डिनेट कर देता हूँ लेबर डिपार्टमेंट से। हाँ सर, लेबर आ गए, मेडिकल की रिपोर्ट आपने की है, ठीक है, क्या हुआ आपने पूरा 36 का? सर इसमें 18 ठीक है और जिसमें से खतरनाक प्रक्रिया में बाल श्रमिक मिले 17 थे और गैर खतरनाक में जो किशोर श्रमिक हुए वो 19। संस्थान के खिलाफ कार्रवाई हुई? सर सर 17 के विरुद्ध हमने अभियोजन दायर किया, 11 के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। रिपोर्ट दर्ज हुई जी उसका अपने पास जितनी रिपोर्ट दर्ज हुई लिखा है जी, रिपोर्ट दर्ज हुई जी।
टेस्ट अगर करें तो पता लगेगा किशोर चंद्रो को जिसमें से खतरनाक प्रक्रिया के 15 ठीक है इसको शैक्षिक काउंसलिंग DSA साहब को भेजा गया था सर तो वो है सर सर अब उसमें सर दाखिले को जो 10 बाकी हैं अभी 10 के दाखिले बाकी हैं क्योंकि विद्यालय सर अभी संचालित थे नहीं आपके पास रिपोर्ट है DSA साहब ये सुन रहे हैं मैं इसकी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ हाथों हाथ की प्रॉब्लम का समाधान समस्या का समाधान हाथों हाथ होता चले आप बात समझ रहे जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं बाकी चाइल्ड लेबर का रिहेबिलिटेशन संस्थानों में काम कर रहे हैं जिनका बचपन बिगड़ रहा है जिनकी शिक्षा नहीं हुई उसको किस प्रकार से शिक्षा के अधिकार अधिनियम